Subscribe to our YouTube channel Access to Success and press the bell icon to get the first notification. Importance of national income, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है राष्ट्रीय नीतियों में, आय के वितरण में, प्रति व्यक्ति आय में और राष्ट्रीय नियोजन में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका एक्सेस टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो महत्व है वो है नेशनल पॉलिसीज में। नेशनल पॉलिसीज में यानी कि जो नीतियां होती हैं, रोजगार संबंधित नीतियां होती हैं, उसमें औद्योगिक उत्पादन, निवेश, बचत, उसमें किसी तरीके का जो बदलाव आता है वो हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़े से ही पता चल पाता है कि उसमें किस तरीके का बदलाव आया है। दूसरा जो महत्व है वो है पर कैपिटा इनकम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय में। पर कैपिटा इनकम में यानी कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े से हमारे प्रति व्यक्ति के आय का पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है या प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। वो हमारा किससे पता चलता है? पर कैपिटा इनकम से, यानी कि राष्ट्रीय आय के जब हमारे पास आंकड़े रहेंगे तभी तो हम किसी प्रति व्यक्ति के आय का अंदाजा लगा सकते हैं या उसका पता कर सकते हैं उसकी आय कितनी है। तीसरा जो महत्व है हमारे नेशनल इनकम का है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि आय के वितरण में। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे राष्ट्रीय आय का यानी कि राष्ट्रीय आय के जब आंकड़े रहेंगे तभी हमें आय के वितरण के बारे में पता चलेगा कि गरीबों के पास कितनी आय है और अमीरों के पास कितनी आय है। या कह सकते हैं जैसे अभी हम हाल ही में एक सूचना आई थी कि 83% आय का जो स्रोत है वो 1% व्यक्ति के पास है। 83% यानी कि गरीब का जो आय है वो 1% व्यक्ति के पास है। तो हमारा किससे पता चलता है? हमारे आय के वितरण से पता चलता है कि आय का जो वितरण है कि किस रूप में बटा हुआ है, अमीरों के पास ज़्यादा है या वो गरीबों के पास ज़्यादा है। वो इसलिए हमारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, अगर राष्ट्रीय आय के आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो आर्थिक नियोजन को बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे कि कुल उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश का अगर आंकड़ा नहीं रहेगा तो हमारे राष्ट्रीय आय के आंकड़ा का पता ही नहीं चलेगा, यानी कि नियोजन को बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए बहुत ही महत्व है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन का। तो दोस्तों एक बात और आपसे कह देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन यानी कि घंटे को जरूर दबाइए, जिससे अगर आप घंटे को दबाते हैं जिससे हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहें और हंसते रहें।